मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्व श्री इष्ट देवताय नमो नमः। शुभ शरम दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूं। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्त। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुताई से बचाता है और करण हमारे सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना है। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र वेद कर्मों से भरा, आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 5 मई 2024, शालिवान शक 1946, समस्त प्रति आयन उत्तर ऋतु वसंत मास चैत्र पक्ष कृष्ण तिथि। दोस्तों, आज की द्वादशी तिथि है। शाम 5:42 के बाद त्रयोदशी शुरू। वार रविवार है दोस्तों, इतवार। नक्षत्र दोस्तों उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है। रात 7:57 के बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों वैधुत्री योग है। सुबह 7:36 के बाद विषकम्भ योग शुरू होगा और कल सुबह 4:03 के बाद प्रीति योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलो करण है। सुबह 7:12 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। शाम 5:42 के बाद गरज करण शुरू होगा और कल सुबह 4:12 के बाद वनिज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है मेष राशि में होगा, चांद कुंभ राशि में, गुरु में वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होगा। मुंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:10 पर होगा और निगमन जो है शाम 7:01 पर होगा। इस पंचांग के आधार पर दोस्तों, अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ना चाहते हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों और यह संकल्प बोलना शुरू कर। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रि प्रवर्त मानस ब्रह्म द्वितीय पराग श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतर कलियुगे प्रथम पाद जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चंद्रमा शालिवान शक 1946 प्रभावादि षष्ठी सवत्सरों में क्रोधी नाम सवत्सर उत्तरायणी वसंत ऋतु चैत्र मासे कृष्ण पक्ष रविवार वासरे उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र वैधुती योग के कौलो में द्वादशी शुभ तिथि तो वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़पा मोह पात दुर्दक्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर पित्र तो विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करीश। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो थोड़ा संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 7:12 तक है। इस समय के बाद अगर आपको किसी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य, तब जाकर आपकी सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा, आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा। अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, अमावस्या नजदीक आने के कारण किसी भी धार्मिक विधि के लिए कोई भी मुहूर्त अब नहीं है और ऐसे समय
जब अपने लिए कोई मुहूर्त नहीं हो तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण न करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों सुबह 8 बजे के बाद अच्छा दिन है। दिन विशेष दोस्तों प्रदोष व्रत है। जो शिव भक्तगण इस प्रदोष व्रत का आचरण करते हैं उन्हें शाम पूजा होने तक तो उपवास तो करना ही है, और जैसे ही प्रदोष सूरज का अस्त होने का समय नजदीक आएगा, शुचिर्भूत होकर आपके घर के पास जो भी जागृत शिवलिंग मंदिर होगा वहां जाकर आपको पंडित के माध्यम से या स्वयं आप अभिषेक युक्त रुद्राभिषेक युक्त ऐसा शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे पंचोक्षर और मंत्र जप करेंगे। ओम तत् पुरुषाय मे महादेवाय तन्नो रुचि, ये गायत्री मंत्र शिव का आपको बोलना 10 मिनट कहीं भी जहां जगह हो वहां बैठकर आपको ये मंदिर में ही जप करना है, और वहां के पुजारी या ब्राह्मण देवताओं को दान धर्म कुछ करना है। मंदिर के पेटी में कुछ आपको डालना है राशि, और जो वहां पर भक्तगण लोग उनके लिए प्रसाद अगर आपके पास है तो उसे भी आपको बांटना है, और उसके बाद आपको घर आकर उपवास छोड़ना है। ये ध्यान में, अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है इसलिए आप नया कोई यज्ञ कर्म कांड नहीं कर सकते, जो रेगुलर है वही आप कर सकते। दोस्तों, आज 5:42 के बाद दग्ध योग शुरू होगा। यह दग्ध एक अशुभ योग है दोस्तों। जो नए बालक जब भी जन्म लेते हैं उनके 12वें दिन ये जनन शांति कर्म कांड करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो आगे चलकर बालक के भविष्य में कुछ अनहोनी हो सकती है दोस्तों। वो ना हो इसके लिए आपको ये जनन शांति करनी है पंडित के माध्यम से अपने घर पर करनी। बाद में करने जाएंगे तो अगले कोई पंचांग में इसका कोई उल्लेख नहीं होता है, चालू पंचांग में ही। राहु काल दोस्तों शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे, इस काल में अगर आपका कोई काम पूरा नहीं होता है, संपूर्ण नहीं होता है, तो उसे आपको और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करें, हो सकता है आपको आपका काम जो है तो पूरा हो सके, क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं है ऐसा समझना। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो शत प्रतिशत जल्द और फलदायी होती है, क्योंकि ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता हम ही होते हैं, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दीजिए। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंद रहे और प्रसन्न। हरिओम, शिव शंभो मां।